गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज हम आपका बीएड सेकेंड ईयर की फर्स्ट पेपर भारतीय शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में वैदिककालीन जो शिक्षा थी जिसके बारे में हमने बात की थी वेदांत दर्शन, तो उस वेदांत दर्शन में हम वैदिककालीन शिक्षा के स्वरूप के बारे में आज जानेंगे कि वैदिककालीन शिक्षा जो थी उसका क्या स्वरूप था। तो अगर मुख्य रूप से हम इसके स्वरूप को जानना है तो हमें कुछ बिंदुओं पर विशेष रूप से चर्चा करनी होगी, जैसे कि आपका मैंने ब्लैक बोर्ड में लिखे हुए हैं कुछ बिंदु, शिक्षा का उद्देश्य, पाठचर्या, शिक्षा, शिक्षण विधियाँ और अनुशासन। तो अगर आप सबसे पहले बात करें कि जो वैदिककालीन शिक्षा थी उसका क्या उद्देश्य था, तो कहीं ना कहीं आपको मैंने कल भी बताया था तो आज मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि जो वैदिककालीन शिक्षा थी उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि मोक्ष की प्राप्ति करना, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वेद हैं, वेद हमारे ये हमें बताते हैं कि हम ब्रह्म ही सत्य है और ये जो जगत है ये मिथ्या है। तो इस तरह ये जो जगत है इसका निर्माण अनित्य है या नाश है, यानी ये जगत जो नाशवान है, इसमें प्रति क्षण क्या होता है, परिवर्तन होता है और ब्रह्म वेदांत दर्शन के अनुसार ब्रह्म ही नित्य है, यानी ब्रह्म ही सत्य है। इनकी व्यवहारिक सत्ता स्वीकार किए बिना कोई भी मनुष्य जो अस्तित्व के साथ अपना जीवन जी रहा है उसके द्वारा ज्ञान, कर्म, भक्ति, योग और मोक्ष प्राप्ति का प्रश्न ही नहीं होता। यानी कि पहले तो हमें ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना है, इसके बाद हम अपने जीवन को कर्म के अनुसार व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो प्रमुख उद्देश्य है कि हमें अपने सभी कर्मों से मुक्ति करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना है। तो इसी प्रकार वैदिककालीन शिक्षा के स्वरूप में यदि हम उद्देश्य को ध्यान में रखें तो वैदिककालीन शिक्षा का जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं परम ज्ञान की प्राप्ति से संबंधित है। परम ज्ञान के साथ साथ शारीरिक शिक्षा, सर्वांगीण विकास, आध्यात्मिक शिक्षा, चरित्र का निर्माण करना, व्यक्ति के एवं सामाजिक विकास के साथ में संस्कृति के लिए शिक्षा की भी बात करता है। तो इन उद्देश्यों के साथ में हम यदि बात करें पाठचर्या की, क्योंकि उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए कहीं ना कहीं करिकुलम की आवश्यकता होती है, तो विद्यार्थियों को दो प्रकार की विधाएँ पढ़नी होती थी पहले के समय में, परा और अपरा। परा विद्या को परम ज्ञान समझा जाता था और इसमें क्या होता था, जीवन, जगत और ईश्वरीय ज्ञान के बारे में अध्ययन किया जाता था, और जो अपरा विद्या थी इसमें चारों वेद, वेदांत, कर्म कांडों का ज्ञान, व्याकरण, खगोल विद्या, इतिहास, पुराण, नीति शास्त्र, सैन्य विज्ञान आदि विषयों का अध्ययन किया जाता था। तो स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि वेदांत जो काल में परा एवं अपरा दो विषय थे उनका कहीं ना कहीं बराबर का महत्व था, और इसके द्वारा ही वो सामाजिक कार्यों को करते हुए वो मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकते थे, क्योंकि कुछ जो विषय हैं इसमें जैसे आपका आध्यात्मिक विकास के लिए कर्मकांडों का ज्ञान या वेदों का ज्ञान, इस तरह का ज्ञान आपको कराया जाता था। अगर आप शिक्षक की बात करें, टीचर की बात करें, तो टीचर उपनिषदों के बारे में जो गुरु की महिमा का इसमें वर्णन किया गया है, उपनिषद जो आपके थे वेद के अंत में जो अंतिम भाग था उपनिषद, उसमें ये बताया गया है कि वैदिककालीन शिक्षा में जो गुरु था वह अद्वितीय बताया गया। इसमें शिक्षक की सबसे मेन होता था, शिक्षक ही प्रमुख होता था, अतः वही शिष्य को जो ईश्वरीय ज्ञान देने में समर्थ होता था, क्योंकि गुरु उन वैदिक गुरुओं के परिवार के अंग थे जो सभी प्रकार के अनुभवों से युक्त थे, और गुरु अपने शिष्य से पुत्र तुल्य नहीं करता था, और गुरु विनम्रता और सद्गुणों के लिए प्रसिद्ध था। तो उस समय गुरु का जीवन कैसा था, सादा जीवन और उच्च विचार पर विश्वास रखते थे। तो इस प्रकार हमने देखा कि वैदिककालीन शिक्षा के समय का जो अगर हम स्वरूप देखें तो शिक्षक किस प्रकार के थे उस समय। अगर हम शिष्य की बात करें तो विद्यार्थी जो थे वो अपने गुरु की सेवा में हर समय तत्पर रहते थे, शिष्य अपने गुरु की सेवा में मन, वचन, कर्म से लगे रहते थे। आज की जैसे नहीं कि शिष्य मतलब पहले क्या था, गुरु ने अगर कह दिया कि ये है तो वही पत्थर की लकीर होता था शिष्य के लिए। तो विद्यार्थी जीवन में उन्हें स्वयं को शारीरिक एवं आध्यात्मिक रूप से बलवान बनाना होता था,
और वे गुरुकुल में ब्रह्मचारी बनकर रहते थे। इस प्रकार शिष्य गुरुकुल में कठोर अनुशासन के साथ रहते थे। गुरु शिष्य संबंध जो भी थे वह अत्यंत मधुर थे और वे एक दूसरे के साथ आत्मीय व्यवहार करते थे। अब बात हमने कर ली पाठचर्या की, शिक्षक की बात कर ली, शिष्य की बात कर ली, तो जो आपका शिक्षा का अन्य स्तंभ है शिक्षण विधियां, कि किस प्रकार की शिक्षण विधियां उस समय चलती थी और कैसे बच्चों को अध्ययन करवाया जाता था, जो पाठ्यक्रम है उसे किन विधियों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता था, तो उस समय की जो शिक्षण विधियां थी उनकी यदि हम बात करें तो वैदिक काल में गुरु अपने शिष्य को मौखिक रूप से शिक्षा देते थे। शिष्य गुरु के शब्दों को ध्यानपूर्वक सुनते थे और सीखने सिखाने की प्रक्रिया में दोनों अत्यधिक सक्रिय रहते थे। उस समय मुख्य रूप से 6 विधियां प्रचलित थी। पहली स्वाध्याय विधि। स्वाध्याय विधि के अंदर आपका श्रवण, मनन, निधिध्यासन। श्रवण में क्या था? गुरु के उपदेश को सुनना और उसको मानसिक तत्परता के साथ ग्रहण करना। मनन में शास्त्र का जो जो भी शास्त्र थे उनका अध्ययन करना बताया गया और पढ़े हुए चीजों को, सुने हुए विषय या पढ़े हुए विषय को क्या करना, मनन करना, चिंतन करना, तभी तभी तो उनको पूरी तरह समझा जा सकता है। यदि मैं आपसे कोई बात बोलूं और जब तक आप उस पर मनन या चिंतन नहीं करेंगे तो उसमें आपके विचार निकल कर नहीं आएंगे। तो मनन चिंतन बहुत ही आवश्यक होता है हमें अपने अंदर की स्किल को डेवलप करने के लिए। इसी क्रम में शिक्षण विधियों में प्रश्नोत्तर विधि थी आपकी, तर्क एवं व्याख्या विधि भी थी, यानी तर्क भी करते थे बच्चे और जो अध्यापक थे वो व्याख्यान विधि का प्रयोग करते थे अपने पाठ को पढ़ाने के लिए। उपदेश विधि थी, उपदेश विधि के साथ में कथा विधि, यानी किसी जैसे हम देखते हैं ना आजकल भी हम देखते हैं कहानी विधि का प्रयोग करते हैं, कहानी के माध्यम से हम किसी टॉपिक को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो इसी तरह से कथा विधि उस समय प्रचलित थी प्राचीन काल में। कक्षाओं में इसका प्रयोग आज भी चला आ रहा है। सीधी सरल भाषा में यदि आप कहो भी तो उपदेश दिया जाए या छात्रों में कम प्रभावित होते हैं, लेकिन उसे कथा की तरह कहा जाए तो वह रोचक बन जाता है। जैसे किसी पाठ को यदि आप पढ़ाएं तो वो बहुत लेंथी होता है, लेकिन अगर हम किसी पाठ को एक स्टोरी के माध्यम से बच्चों को समझाएं तो वो स्टोरी बच्चे कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि वो प्रभावशाली होती है। तो इस तरह कथा विधि के अनुसार भी उस समय शिक्षक जो थे वो अपने शिष्यों को ज्ञान देते थे। दृष्टांत विधि की बात करें तो शिक्षक इस विधि का प्रयोग करके जैसे उदाहरण या दृष्टांत महत्वपूर्ण जो विचार होते थे या कठिन जो स्थल होते थे उनको सुविधापूर्वक या प्रभावशाली तरीके से स्पष्ट कर देते थे। तो इन सारी विधियों का जो प्रयोग था वो वैदिक काल में होता था। इसी क्रम में अगर हम बात करें अनुशासन की तो अनुशासन कैसा था पहले के समय में वैदिक कालीन शिक्षा में, तो वेदांत दर्शन के अनुसार जो अनुशासन था वह बहुत ही कठोर था। पहले के समय में मन को संयमित बनाने के लिए एवं एकाग्रता की ओर अग्रसर होने के लिए अनुशासन आवश्यक था। इसमें क्या होता था, जो बालक होते हैं वह चंचल अवस्था में होते हैं, बालक का इस अवस्था में किसी भी काम में क्या होता है ध्यान नहीं लगता, तो छात्र के अध्ययन के लिए उन्होंने जो चित्त अवस्था थी उसको अनुकूल नहीं माना। उन्होंने 3 अवस्थाएं 4 अवस्थाएं बताई उस समय वैदिक कालीन शिक्षा में, क्षिप्तावस्था, विक्षिप्तावस्था, मूढ़ावस्था और एकाग्रावस्था। जो विक्षिप्तावस्था थी इस अवस्था में बालक पूर्ण रूप से इंद्रियों को नियंत्रण हो जाता था बालक के द्वारा और क्या होता था कि उसका अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता था, वह ऐसा कार्य करना चाहता था जो उसकी इंद्रियों को अच्छा लगता था। तो जैसे हम देखते हैं ना शैशवाकाल, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इसी तरह इस 4 अवस्थाओं में पहले के समय में बालकों की आयु को डिवाइड कर दिया गया था। तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें मूढ़ा अवस्था की तो इस अवस्था में इंद्रियों और मन पर भी सीमित नियंत्रण होने लगता था और एकाग्रता अवस्था जो थी इस अवस्था में आत्मा का मन, बुद्धि, इंद्रिय आदि पर नियंत्रण हो जाता था और बालक की संकल्प शक्ति का पूर्ण विकास हो जाता था। तो मुख्य रूप से अगर हम कहें कि इस अवस्था में बालक में नैतिक और अनैतिक कार्यों की समझ आ जाती थी, तो इस तरह उस समय बच्चे के अंदर जो भी अनुशासन का क्रम था वह अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए लिया जाता था। लेकिन मुख्य रूप से आप ये ध्यान रखिए कि वैदिक कालीन शिक्षा के समय में कठोर अनुशासन
था अगर कोई बालक जो गुरुकुल में जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे और कोई अनुशासनहीनता या गुरु के आदेश का पालन नहीं करते थे, तो उन्हें पर्याप्त कठिन दंड दिया जाता था बच्चों को। तो इस तरह से पहले वैदिक कालीन शिक्षा में अनुशासन छात्रों के लिए बहुत ही कठोर था। तो ये आज आपका टॉपिक वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप हमने जिस पर बात की। फर्स्ट ईयर में भी आप फिलोसफिकल में इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ा रही हूँ। फिर भी मैं आपको पर्याप्त रूप से इसमें जो भी जानकारी है मेन मेन बिंदुओं की वो देती जा रही हूँ। अगला टॉपिक कल की क्लास का आपका रहेगा बौद्ध शिक्षा, और इसके बाद हम मुस्लिम शिक्षा के बाद ईस्ट इंडिया अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ रूल्स पढ़ेंगे और आगे अपने सिलेबस को कंप्लीट करते चलेंगे। थैंक यू सो मच।